मैं मेरी सभी साथियों से प्रार्थना है व्यवस्था बनाकर सारे जो ये पीछे से है कुर्सियों पर उठाए भाई जी का स्वागत करें। मैं अपनी ओर से चौटाला साहब का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी साथियों से जो स्टेज के पीछे खड़े हैं आप आगे पहुंच जाए। सभी साथी बैठने की कृपा करें और जो भी साथी सामने स्टेज के पीछे खड़े हैं ये आगे कुर्सियां ले ले गई, ये कृपा करके कुर्सियां ले ले। अब मैं श्री जलंधर पांडे जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना प्रवचन पूरा करें। साथियों, किसान केसरी चौधरी थी, उन्होंने ही आपको लूटा। आज केवल ये फैसला करने का दिन है कि हमारा केवल 4,500 विधायकों में पूरे देश में एक विधायक आपके दुख सुख के साथ आया है और वो चौधरी रेशम चौटाला जी जिन्होंने ताऊ देवीलाल की परंपरा को निभा। मैं उसका समर्थन करता हूँ और आप सब लोगों को हाथ उठा करके स्वागत करने की अपील करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत भाई सुरजीत संधु जी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो भी पार्टी के प्रधान महासचिव, जन जन की आवाज, विधानसभा के अंदर 36 बरादरी के लिए आवाज उठाने वाले, विधानसभा के बुलंद आवाज, जो एक प्रकार से किसानों के ऊपर जो ये 3 काले कानून लगाए गए हैं ये आपके सामने हैं और ये जो 3 काले कानून विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं और बहुत जुझारू कार्यकर्ता है भाई प्रदीप कांबोजी की नजर आया मुझे लोग मिले का धन्यवाद करता हूँ और मैं स्वागत करता हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश जी राठी जी का जिन्होंने हमारे गांव में आकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। फोटो खिंचवा के सारे मैं यहाँ आने पर भाई फूल सिंह मंजूरा जो हमारे किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ पर हमारे गांव में आए गरमवीर पाटा जी मेरे सम्मान बड़े भाई सभी भाइयों धन्यवाद है। एक बार ठीक कुर्सियां ले लें, कुर्सियों बैठे सभी भाइयों से पंच आपको भाई साहब जी का स्वागत कर रहे हैं। भाई ज्ञान सिंह जी पगड़ी पहना करके तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। उमेश विंडा जी अभी जिला प्रधान उस
स्वागत करेंगे भाई साहब जी का, साल ढा करके स्वागत करेंगे। चौधरी भगवान सिंह जी भी सम्मानित कर रहे हैं, वो भी आए। समय सिंह पंचाल जी वो भी भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। सरदार दर्शन सिंह जी राजखाना वो श्रोपा भेंट करेंगे भाई अगर सिंह चौटाला जी को, सरदार दर्शन सिंह जी राजखाना। सरदार दर्शन सिंह जी चुदाम्बा से पवन जी भाई साहब को सम्मानित कर रहे हैं। पवन जी बलवीर सिंह जी पूर्णिया उनको सम्मानित कर रहे हैं भाई बलवीर पूर्णिया जी। चंद्रभान नरवाल जी वो भी भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। भाई होशियार सिंह जी खेरी जिटान सरपंच वो भी सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, किसान नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। भाई बोल रहे भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, किसान मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। डॉक्टर वीरेंद्र जी खेरी जिटान से वो भी सम्मानित कर रहे हैं। मेरे से पहले जो वक्ता बोल करके गए उन्होंने आपके सामने आज देश में किस किस्म के हालात हैं, इस कोरोना की महामारी के बाद प्रदेश में किस किस्म के हालात रहे हैं, उन सब बातों पर बड़े खुल करके चर्चा करी। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो लंबा समय लगेगा। हमारे देश में दुनिया में जो कोरोना की महामारी आई थी, जब इस बीमारी ने दुनिया भर में अपने पैर फैलाए थे तो दुनिया के विकसित देश थे जहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, इस बीमारी की वजह से लाखों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अमेरिका में रोज हजारों लोग इस महामारी की आड़ के अंदर तीन किस्म के काले कानून बना दिए जाएंगे, जहां किसी के तीन काले कानून बना करके पूरे देश के किसान को आज दिल्ली के अलग अलग जो हरियाणा के यूपी के राजस्थान के साथ लगते हुए रस्ते आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया। हम पहले सुना करते थे कि हमारे देश के साथ चाइना का बॉर्डर लगता है, हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान का बॉर्डर जो है इसे बाघा के बॉर्डर के नाम से जाना जाता था, हमने सुना था नेपाल का बॉर्डर लगता है, भूटान का बॉर्डर लगता है, ये पहली दफा सुनने में आया कि यह टीकरी का बॉर्डर है या शंभू का बॉर्डर है या गाजीपुर का बॉर्डर है, यहां सांझा का बॉर्डर, मलबल का बॉर्डर, और उन बॉर्डर्स के ऊपर इस तरह से इन्होंने नाकाबंदी कर रखी है, इस तरह से दीवारें बना रखी है, 10-10 फुट ऊंची कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी, जहां दीवार बनाई भरी कंक्रीट
वहीं फिर किले तार बिछा दिए और किले भी लगा दिए कि हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति दिल्ली की सीमा में ना जा सके। इस तरह से दिल्ली के लोगों के बीच में माहौल बनाने की कोशिश करी। यहां साथियों, किसान जब गेहूं बेचने बाजार में जा रहा था तो उसकी दो दो महीने पेमेंट ना करके उसके प्याज के पैसे खा करके 800 करोड़ रूपये बैंक के साथ मिलकर के लोगों ने, सत्ता में बैठे लोगों ने अपनी जेब में डालने का काम किया। शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, यहां तक भी जो पीपी किट जो खरीदी गई वो भी महंगी खरीद करके, जहां कोरोना के पीड़ित लोगों की सेवा करने वालों को अच्छी किट खरीद करके देनी चाहिए थी, उसमें भी इन्होंने पैसे खाने का काम किया। जहां हमारे प्रदेश को लूटिया वही काले कानून बना करके देश के किसान को आंदोलन पर मजबूर कर दिया। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया, वैसे तो हर गांव से लोग गए, आपने भी अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। अगर आप चाहते हो कि तीन कृषि के कानून वापिस हों तो फिर इसके लिए आपको आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। कल आपके यहां टिकैत साहब आ रहे हैं, अगर मुझे पता होता कि टिकैत साहब का कल का कार्यक्रम है तो मैं आज कार्यक्रम रखने की बजाय आप लोगों से सीधा सीधा कहता कि आप टिकैत साहब के कार्यक्रम में जाना। कल वो आएंगे, कल भी आप इससे ज्यादा बड़ी संख्या में अपने साथियों को साथ लेकर के टिकैत साहब का स्वागत करना है, और ना केवल उनका स्वागत करना है बल्कि उनको ये आश्वस्त करना है कि जो चुनाने का काम करेगा आपसे उसे मिलने पे ना केवल फूल चढ़ाएगा बल्कि जिम्मेवारी के साथ उस आदेश की पालना करेगा। साथियों, आज जो लड़ाई है आज कोई वोट की लड़ाई नहीं है। वोट तो जब चुनाव होते हैं तब डाले जाते हैं, कौन व्यक्ति किसके पक्ष में अपना वोट डाले, किसको चुन करके भेजे, ये तो मतदाता का फैसला है। ये लड़ाई तो सीधे तौर के ऊपर किसान के केंद्र की सरकार की लड़ाई है। इस लड़ाई में लोगों को राजनीति से ऊपर उठ करके अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। जहां अपनी जिम्मेवारी समझ कर किसानों को और मजबूत करना चाहिए। हमारे देश के अंदर तो बहुत है, इस देश में दो भगवान हैं, एक तो वो भगवान है जो किसी को दिखाई नहीं देता, और एक वो भगवान है जो इस धरती का सीना चाट जीत करके दिन रात मेहनत करके पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। जो अन्नदाता, जिसे किसान कहा जाता है, उसे किसान को भगवान भी माना जाता है। आज तो मोदी जी ने सीधे तौर के ऊपर अयोध्या में तो राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, लेकिन जो अन्नदाता है, जो सबका पेट भरता है, जिसे भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, आज उसे अपमानित करने का काम कर रहा है। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन करने आया कि गांव गांव में कमेटी बनाओ, और कमेटी बना करके गांव से ट्रैक्टर में 10-15-20 लोगों को बैठा करके उनकी ड्यूटियां लगाओ। और उनकी ड्यूटियां लगा करके इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करो। अभी साथियों, मेरे से पहले जो बोलने वाले साथी थे वो बारी बारी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब इसमें चुनाव एक ऐसा विधायक है जिसने इस किसान की लड़ाई के लिए विधानसभा के पद को भी ठोकर मार दी, अपना अस्थिर भाग्य किसान के बीच में जाकर के खड़े हो गए।
साथियों हमारी विधानसभा का सत्र आया था और विधानसभा के सत्र के अंदर ये आंदोलन है पीक पे चल रहा था। आंदोलन पीक के ऊपर था तब हमारी जिम्मेवारी बनती थी कि हम विधानसभा में किसान के पक्ष को मजबूती के साथ रख करके प्रदेश की सरकार से प्रस्ताव पास केंद्र के पास भिजवाते हैं कि आपका निर्णय बेहद गलत है, इस निर्णय को आप वापिस लें। विधानसभा में जिम्मेवारी तो विपक्ष की थी, कांग्रेस की थी। कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बजाय, काम रोको प्रस्ताव देने की बजाय, सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव इन काले कानूनों पर बोर्ड लगाने के लिए लाया गया उस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करने की बजाय कांग्रेस के लोग वॉकआउट करते चले गए। मैंने कांग्रेस के नेताओं से कहा था कि सरकार सर्व प्रस्ताव लेकर के आई है, हमें सरकार को, इस सरकार में बैठे लोगों को, विशेष करके उन लोगों को बेनकाब करना चाहिए जो कभी टोल पे जाकर के किसान की बात कर रहे थे, जो कोई कहीं किसानों का धरना था उसमें जाकर के बैठ करके किसान हितैषी होने की ढोंग करते थे। हमें उन लोगों को बेनकाब करना चाहिए जिनसे जाकर के किसानों ने घरों में इस्तीफे मांगे, उन्होंने कहा कि किसान की अनदेखी होगी तो हम किसान के साथ खड़े होकर के किसान को मजबूत करने के लिए, चाहे हम कहीं पे भी है, हम उस पद को त्याग करके आपके बीच में आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस वालों ने मेरी बात पे गौर करने की बजाय वॉकआउट करने का काम किया। उन्होंने तो वॉकआउट कर दिया और मैंने 50 मिनट तक लगातार कैसे इस किसान आंदोलन को, कैसे कृषि के तीन काले कानूनों को खत्म करवाया जाए, कैसे किसानों की ताकत को बढ़ाया जाए, मैं जब अपनी सीट से खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे पे कटाक्ष कर रहे थे, कह रहे थे कि शायद आप भी वॉकआउट करके जाओगे। मैंने उनसे कहा कि वॉकआउट नहीं करूंगा, मैं किसान के पक्ष को मजबूती के साथ विधानसभा में रखूंगा और मैंने ये भी कहा कि आज मैं तुम्हारी तसल्ली भी कराऊंगा। जब मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने 50 मिनट तक जहां किसान का पक्ष रखा वहीं भारतीय जनता पार्टी को उस प्रस्ताव को पास न उसके लिए मजबूर भी कर दिया और मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं हूंगा जिस विधानसभा में किसान के खिलाफ किसी के काले कानूनों पर मोर लगाई है। मैंने उसी दिन ऐलान कर दिया था कि मैं 26 जनवरी तक अगर ये बिल वापस नहीं गए तो देश भर के कार्यक्रम बना रखे हैं। हम किसान जन जागरण अभियान चला रहे हैं और हमने कैसे किसानों के साथ न्याय हो उसके लिए अपनी पार्टी के सब साथियों की जिम्मेवारी लगाई है कि आप इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए जहां समय निकाल करके बॉर्डर पे जाओ, वहीं बॉर्डर पे बैठे हुए राजस्थान के, पंजाब के, यूपी के, मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनकी देखभाल भी करो और उनको भरोसा दिलाओ कि हम राजनीति से ऊपर उठ करके किसान के घर में पैदा हुए के नाते, क्योंकि चौधरी देवीलाल तो किसान के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी दे दिया करते थे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हर कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभाए। हमारा कार्यकर्ता बड़ी भूमिका निभा रहा है। सरकार के साथ वार्ता का दौर विफल होता हुआ नजर आ रहा है किसानों, ये कोई सवाल नहीं रहा। सरकार कहाँ है? अगर सरकार तो होती तो अब तक इस आंदोलन का फैसला हो जाता। लाखों लोग मांग कर रहे हैं कि भी आप इन काले कानूनों को वापस लो। सारा विपक्ष जो आज संसद में, चाहे लोकसभा है चाहे आपकी राज्यसभा है,
उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि आप ये फैसला गलत ले बैठे, इसको ठीक कर लो, दुरुस्त कर लो। लेकिन दुरुस्त करने की बजाय किसानों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन किसान कभी परेशान नहीं होता। किसान को तो परमात्मा भी दो बार साल में किसान का इम्तिहान लेता है एक तरह से। और किसान के साथ तो ऐसे हालात भी बहुत दफा होते हैं कि ज़्यादा बारिश की वजह से फसल ख़त्म हो जाती है, ओलावृष्टि से फसल ख़त्म हो जाती है, सूखे की वजह से फसल ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता, वो अगली फसल की तैयारी करता है। किसान आगे जाने के लिए मजबूर है क्योंकि किलाबंदी में पूरा दिल्ली को किया गया, सारी बॉर्डर सील किए गए हैं। इससे देश की बहुत बड़ी बदनामी हुई है दुनिया भर में कि कैपिटल को किस तरह से उन्होंने बाड़ बंदी करी, तार बंदी करी, दीवार बंदी करी। क्या कोई कैपिटल हमारी नहीं है? कैपिटल केवल और केवल मेंबर पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर की है, बीजेपी की है। कैपिटल तो किसान की बनाई हुई है, उस किसान ने ही इनको उस कैपिटल में बिठाया। सर, मोदी जी ने आंदोलन जीवी बता दिया है, आंदोलन बता दिया, फिर अगले दिन माफी भी मांग ली। पहले दिन आंदोलन जीवी कहता था, अगले दिन उसी अन्नदाता को जिसको आंदोलन जीवी कहा था उसका स्वागत कर रहा था, उससे माफी मांग रहा था। तो आप, आपकी पार्टी ने पूरे ने किसानों को समर्थन दिया या हरियाणा लेवल पे आप ये मुहिम चला रहे हैं? आपने मेरी बात मेरी ख्याल सुनी भी नहीं होगी जी। और आपने ध्यान होना चाहिए, पहले दिन ही हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया और किसी ने इसका विरोध किया ही नहीं था। कांग्रेस तो इस ड्राफ्ट को बनाने वाली है। तो क्या है कांग्रेस, बीटी में जी बीजेपी तो बता दे।